आज का जो मेन्यू है उसके अंदर हम बना रहे एक मीट राइस, देर विल बी अ गार्लिक हर्ब ब्रेड जिसको हम कॉलीफ्लावर और ब्रोकली सूप के साथ सर्व करेंगे. सो इट्स अ स्मॉल स्वीट मेन्यू स्पेसिफिकली. अब जब विंटर रहेगा दिल्ली में, इट विल बी ब्रिलियंट, इजी टू कुक एंड यमी टू ईट. सो लेट्स बिगिन. ये कौन सा यंत्र खोला आपने? सर ये कुकर. ये कुकर है. मुझे याद है मेरी पड़ोस में एक आंटी ने अपने 15 सूट और फिर बच्चों की 2-3 जींस देने के बाद उन्हें एक कुकर हासिल किया था. पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था. नहीं मैं लेकिन इसका मॉडल नंबर वगैरह लेके जाना चाहूंगा. डन. आपको गोभी चाहिए? हाँ गोभी. लेकिन गोभी को हम पहले काटेंगे, छोटा छोटा काट लेंगे. इस गोभी के सौभाग्य है कि इसे कुणाल कपूर साहब जो है काट रहे हैं जी. छोटा छोटा जी मोतियों में जी. अंकल मत बोलो जी, पूरा इंडिया देख रहा है. नहीं सही है. सो ये जो कैरेक्टर्स हैं, व्हाट इंस्पायर्स यू? मतलब आप खड़े खड़े यू नो कम मार्क्स. आई बी रियली ऑनेस्ट, कम मार्क्स वर्क्स. हाँ मतलब पढ़ाई में बिल्कुल, मेरे शहर में 8 स्कूल है, मैं 8 में पढ़ा. उनको ये डर रहता था ये हमारे रिजल्ट ना खराब कर दे अगले में चले जाए. तो माँ मुझे भी कहती है टाई बेल्ट इतनी रखी कहाँ क्या करना है. मम्मी मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे शहर में 8 स्कूल में 8 में पढ़ा. सही है. और बाय चांस की मैं आपको बात बताऊंगा, हालांकि हम बहुत बड़े होने के बाद मिले, ये कुरुक्षेत्र से, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन हम दोनों इतने सिमिलर हैं ना. हाँ. तो मैं भी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा हूँ. एंड इट्स ओनली बिकॉज हमारा इंटरेस्ट नहीं था. बचपन से कहते हैं ये बातों की खाता है, बातों की. तो आज एक्चुअली बातों की ही खाता है. अब जब आपके मॉम डैड आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको सुनते हैं तो व्हाट रिएक्शन डू दे हैव नाउ? नाउ तो मेरे घर पे ये नौबत है कि जो भी रिश्तेदार आते हैं पहले उनको यूट्यूब पे वीडियो दिखा देते हैं, बैठ जाओ चाय नहीं मिलेगी पहले. हां तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. हां अच्छी बात है, दे शुड बी प्राउड ऑफ यू गाइस. माय मॉम इज लाइक शी इज वेरी प्रो. हां वो सबको बताती भी हैं कि वो कड़क लौंडा आशीष जो है मेरा बेटा है, मैं उसकी मम्मी हूं. माय डैड इज लाइक वो पुरुषोत्तम अंकल की तरह. ज़्यादा नहीं कहते, नज़र लगती है. हाँ नॉट बैड यार, नॉट बैड. ओके इसको थोड़ा इस फ्लेम पे रख देते हैं ना. थोड़ी सी ब्रोकली भी काटेंगे बिकॉज इसका सूप ही बनना है. सो इट डज नॉट मैटर. इनफैक्ट आप इस तरफ आ जाइए, मैं बीच में आ जाऊंगा. वैसे शेफ आप इतने टाइम से इतना खूबसूरत खाना बना रहे हैं जी, अब तक तो मेरे को लगता है ब्रोकली को आपके कमांड पे ही कट जाना चाहिए. नहीं कोई नहीं सुनता मेरी. ऑलराइट गोभी है, इसको हम ना वॉश कर लेंगे. इसके अंदर जाएगा जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट. ऑलराइट सो सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन. मक्खन उसके बाद अ डैश ऑफ ऑयल. ऑयल इसलिए डालते ताकि बटर ना बर्न ना हो. ये गया तेज पत्ता. तेज पत्ता ये गए थोड़े से, कहते हैं ना वो बहुत तेज. ये है काली मिर्च डाली गई है. ये कलौंजी है. कलौंजी गई धुएं क्यों आरती है जिस तक पहुंच जाए उतना. हाँ. अच्छा फील इसका. इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक और थोड़ा सा चॉप अनियन. और ये चॉप अनियन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमने करा था, वैसा भी चल जाएगा क्योंकि बाद में प्यूरी होना. अच्छा ठीक. ये गया मैदा. इसमें मैदा हल्का ही देंगे, ज्यादा नहीं. तो हल्का हल्का भुनेंगे. हल्का हल्का. ये गई गोभी और ब्रोकली इसके अंदर. अच्छा सब्जियां भी खुश होती होंगी आज शेफ कुणाल कपूर हमें बनाने वाले. हाँ बिल्कुल. पकाने वाले, सॉरी पकाने वाले. पकाने वाले. सो अच्छे से इसको कुक कर लेंगे. ऑलराइट सो अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क. मिल्क दूध. अब इसे बंद कर देंगे एंड जस्ट वन विसल एंड डन. उसका इसको ठंडा करके वी विल प्यूरे इट. ठीक. इन द मीन टाइम हम लोग एक हर्ब गार्लिक ब्रेड तैयार कर लेते हैं. ओके राइट. तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए वी हैव गॉट अ फ्रेंच लोफ. ये फ्रेंच लोफ. लोफ तो इसको यूं काट लेंगे. हमें सिर्फ देख देख के ही मजा आ रहा है, हमें सुन सुन क्या आता है. इसको एक सीटी मिल चुकी है. हाँ सर इसको सीटी आ गया. सो दिस इज ऑलमोस्ट. अब इसको हमें ब्लेंड करना है, प्यूरी करना है. सो इसे यहाँ रख देते हैं ठंडा करने के लिए. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम आज बना रहे हैं ऐसा सूप जो बना है जैसा बताया है इनको बिल्कुल वैसे. तो फ्रेंच लोफ हमने यहाँ पे काट दिया है. हां जी. विल टेक सम बटर. यस परफेक्ट. इसके अंदर क्या डालेंगे सर? हां वो डालेंगे.
अब तो बोला है ना, चाकू उठाया उन्होंने तो बोला है, विल टेक सम गार्लिक, चॉप गार्लिक, माइंड इट, उसको और फाइनली चॉप कर लेंगे थोड़ा, मतलब बारीक, ये जाएगा मक्खन में डाल देंगे। ओ क्या अंदाजा भी नहीं। अब इसे अच्छे से हम घोट लेंगे। इसके अंदर मैंने इटालियन सीजनिंग डाली है जी, यू कैन ऐड हर्ब्स एज वेल। ये हल्का हल्का जैसे आपके चेहरे पे वो लगता है, फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी, बिल्कुल वैसे ही, बहुत अच्छी पद्धति। ये तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच आशीष को दे दिया आपने, बहुत अच्छा किया। तवे को गरम करेंगे और स्पीड अच्छी है काफी। ये बटर साइड डाउन इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे, यू हैव टू कुक इट। सो आप लोगों को इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? कंटेंट ना घर से शुरू होता है। हां तो जैसे ही सुबह मेड आती है ना, हाँ, वो सबसे बड़ा कंटेंट देती है। हाँ, मेरी मेड इतनी सही चीजें बताती है ना, हाँ, वो मुझे एक दिन बोलती, भैया मेरे को एक आंख से धुंधला दिख रहा है, एक आंख से साफ दिख रहा है। मैंने कहा तो फीचर है 1.5 लाख के फोन में आ रहा है जो धुंधला करके फोटो खींचता है। तो कॉन्टेंट वहां से शुरू हो जाता है कि आपको क्या बातें मिल रही है, किस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं आसपास। और आप भी तभी हंसोगे जब आप आसपास में अपने देखते होंगे। अलग फील है। हम क्या किचन में देखते रहते, प्लेट नहीं मम्मी, मम्मी प्लेट नहीं, बंद ऑन है, पता कम है, प्लेट नहीं मम्मी, प्लेट नहीं मम्मी। तो इसलिए इसमें क्या देखिए आप कितनी खूबसूरती से रख दिया आपने, वैसे अपना हल्के से दिखा सकते हैं। बच्चे ने खाई तो खाई, वरना मम्मी ने उठाई और दे लगाई। खाना कितना स्वाद बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन मेरा वहीं पे। सो अब इसके अंदर ये कुछ लग रहा है, लाल पीछे रखेंगे जी। ये येलो टेबल की पहली चीज वहां पर पहुंचती हुई, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये है जो सूप हमारा ठंडा हो चुका है, जो हमने पहले बनाया था, राइट। ये सूप है, तेज पत्ता हमेशा निकाल देते हैं, ज्यादा तेज बन रहा था ना, निकलता ही। ये जाएगा, मतलब दूध के लिए मैं कहूंगा, दूध इसके अंदर डला है तो अब मैं दूध के साथ क्या क्या करने वाला, दूध जानता नहीं। दूध को आइडिया भी नहीं आता था, मानता नहीं था ना ये दूध से अब क्या क्या होने वाला, दूध खुद घबराएगा कि किसना क्या कर रहा है, शायद वो मान जाए। अच्छे के लिए ग्राइंड हो रहा है, अच्छे के लिए मारा नहीं जा रहा इसका, वो इसमें एक बिल्कुल सुर था। ये इसके अंदर अब हम थोड़ी सी ब्लांच्ड या बॉइल्ड पालक डाल रहे हैं, सो अ टिंज ऑफ ग्रीन विल जस्ट ऐड अ बिट ऑफ कलर। क्या बात है, सो दिस इज अ थिक प्यूरी, इसकी शादी करा दो आप पानी के साथ, पानी, अच्छा पानी डाल सकते हैं। तो इसको लाइटन अप करने के लिए वी ऐड सम वाटर, और ये है इसके अंदर नटमेग पाउडर, जावित्री, बहुत तेज होता है इसलिए जस्ट अ लिटिल, सावित्री नहीं जावित्री, जावित्री वेरी स्ट्रांग। इसको मैंने बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीज, चीजी चीजें तो, ओह गिव इट अ नाइस स्टार, and this is really, ये रहा हमारा सूप, बहुत ही बढ़िया, and ये रहा, you can use a bit of herb, ये है जो GST, ये GST है, वो जो लगता है ना आपको दिखता है बिल में, ये पत्ता GST है, और ये है सूप, ये जाएगा इधर, ओहो। एक ब्रेड, उसके दो हिस्से टू बिगिन विद, अच्छा अच्छा तीन करेंगे सर, चलो तीन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नो वी कैन ऑलवेज डिप इट इन दिस एंड ईट एंड टेल मी हाउ इट इज।